कीवर्ड। फाइनल कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं? टू रेस्ट्रिक्ट द यूज़र। कोई भी काम हमारा हो जाता है, चाहे आप डॉक्यूमेंट्स कोई बनाते हो कंप्यूटर में, बहुत सारे वर्जन हो जाते हैं, तो जो फाइनल होता है कि जब चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है वो ये फाइनल हो चुका है, तो क्या एक लगा देते हैं लास्ट में ऐसे समझने के लिए फाइनल। उसी तरीके से एक फाइनल कीवर्ड है जावा में, टू रेस्ट्रिक्ट द यूजर। ठीक है, अब जावा फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज इन मैनी कॉन्टेक्स्ट। कौन कौन से कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हो? वेरिएबल को फाइनल करने के लिए, मेथड को फाइनल बनाने के लिए, क्लास को फाइनल बनाने के लिए। तो वेरिएबल भी फाइनल हो सकता है, मेथड भी फाइनल हो सकता है, क्लास भी फाइनल हो सकता है। द फाइनल कीवर्ड कैन बी अप्लाइड विद द वेरिएबल्स। और वेरिएबल में जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? अ फाइनल वेरिएबल दैट हैव नो वैल्यू, इट इज कॉल्ड ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। अगर कोई वैल्यू नहीं है, फाइनल हमने वेरिएबल बना दिया फाइनल ए और कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको बोलेंगे ब्लैंक फाइनल वेरिएबल और अन इनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल। ठीक है, इट कैन बी इनिशियलाइज्ड इन द कंस्ट्रक्टर ओनली। अब ब्लैंक है तो अब इसको इनिशियलाइज करेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर। द ब्लैंक फाइनल वेरिएबल कैन बी स्टैटिक ऑल्सो। जो ब्लैंक फाइनल वेरिएबल है वो स्टैटिक उसको बना सकते हैं, विच विल बी इनिशियलाइज्ड इन द स्टैटिक ब्लॉक। अब स्टैटिक अगर बना दिया हमने तो सिर्फ स्टैटिक ब्लॉक में ही इनिशियलाइज हो सकता है, और ये बाद में देखेंगे हम डिटेल में फाइनल का। ठीक है, एक क्लास यहाँ बनाया बाइक। अब ये क्या है हमारा? ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इसको फाइनल कीवर्ड लगा दिए तो एक कौन सा वेरिएबल हो गया? फाइनल वेरिएबल। एक रन करके एक हमने फंक्शन बनाया इसी बाइक के अंदर, उसमें कोई फाइनल कीवर्ड नहीं लगाया है। अब दूसरा एक हमने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि अगर इस क्लास में से कुछ चीज़ों को हमें प्रिंट करना है, एक्सेस करना है, तो एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बना लिया हमने और ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस कर लिया। मेन इसमें इस एग्जाम्पल में दिखाने का था कि फाइनल कीवर्ड लगा के फाइनल वेरिएबल बना सकते हैं, और इसके अंदर फाइनल लगा लेंगे वॉइड से पहले फाइनल, तो ये फाइनल मेथड हो जाएगा। तो सर कंपाइल टाइम में एरर देगा क्या वो, जब स्पीड लिमिट इक्वल टू 400 करेंगे तो? नहीं, कंपाइल टाइम एरर क्यों देगा? नहीं, उसको रीडिफाइन कर रहे ना सर। फाइनल अगर वेरिएबल एक बार हमने सेट कर दिया तो फिर फाइनल हो गया। वेरिएबल किया ना, ये तो मेथड है, रन तो एक मेथड है। मेथड के अंदर वेरिएबल को ही तो 400 कर रहे हैं ना सर। हाँ, मतलब 400 कर, बट ये प्रिंट क्या होगा? 90 वाला होगा प्रिंट, जो फाइनल बनाया है 400 इसकी वैल्यू प्रिंट होगा। नहीं, तो हमने किया ही नहीं है, एरर नहीं देगा। अच्छा, कंपाइल में एरर नहीं। क्या कर रहे हो जब आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग करते हो, आप कर देते हो a इक्वल टू 10, ठीक है, और किसी फंक्शन के अंदर जाके आप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक फंक्शन है, इसके अंदर जाके आपने कर दिया a इक्वल टू 50 और a को प्रिंट किया, तो उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 50, जो अपडेटेड वैल्यू है। ठीक है, अपडेटेड वैल्यू है वो प्रिंट होगी ना, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होगी सर, नॉर्मल वेरिएबल, जैसे इन केस ऑफ नॉर्मल एक वेरिएबल है जैसे इंट। मैं नॉर्मल का ही बता रहा हूँ कि अभी अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होगी ना 50 अगर प्रिंट करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे जैसे फाइनल लगा दिया तो अब ये 50 ना प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा।